नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 इंडिया और मैं हूं आपके साथ खुशी धनगर। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों पर। बाराबंकी के नगर पंचायत हैदरगढ़ के पूरे मिठाई वार्ड में हैदरगढ़ बाराबंकी रोड पर स्थित ओम मार्ट प्रतिष्ठान पर बिजली विभाग के एक दर्जन कर्मियों द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ओम मार्ट की प्रियंका सिंह ने विद्युत विभाग के कारनामों से आगत होकर हैदरगढ़ कोतवाली में लिखित शिकायत देकर 50,000 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ओम मार्ट के प्रियंका सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि विद्युत विभाग हैदरगढ़ के कर्मचारियों ने 50,000 रुपए की अवैध वसूली की मांग की है। रुपए ना मिलने पर कुछ विद्युत कर्मियों ने ओम मार्ट के अंदर पहुंचकर जबरन वीडियो बनाना शुरू कर दिया। प्रियंका सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का विरोध किया तो विद्युत कर्मियों ने अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। प्रियंका सिंह ने यह भी बताया कि 3-4 दिन से लगातार 3.25 लाख यानी 2,75,000 का बिल बताकर कम करने के नाम पर 50,000 रुपए की राशि की मांग बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। प्रियंका सिंह ने आगे यह भी कहा कि फरवरी 2020 तक का पूरा बिल जमा है। लॉकडाउन में 2 से 3 माह तक प्रतिष्ठान बंद भी रखे तो ऐसे में मार्च से जुलाई तक यानी 5 माह में 2,75,000 रुपए का बिल कैसे आ गया। वहीं जब विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से बात की गई तो बताया कि मेरे कर्मचारियों द्वारा कोई अभद्रता नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आदर्श सिंह की रिपोर्ट। मैं आपका क्या हुआ मामला पूरा बताइए। कल लाइट वाले आए थे यहाँ पे, बिजली वाले, वो बाहर खड़े हैं, सर को बुलाए, जो है बुलाए सर को, यहाँ जो है कनेक्शन चल रहा है, चेक किया यहाँ पे ओवरलोड चल रहा है पूरा, 4:30 बता रहे हैं पूरा, तो बताया बाद आए अंदर, ऊपर गए देखे पूरा AC लगी थी, नीचे आए फिर गए पीछे गए वहाँ के देखे। कितने लोग थे? करीब 8-10 लोग थे। 10 सारे लोग दुकान के अंदर आ गए थे जी, सब लोग ऊपर गए, ऊपर गए इधर गए पीछे लोग फिर आए आगे इधर देखे घूम के, पर लोग वीडियो बना रहे थे, मना किया वीडियो बना ही रहे, तो जो उल्टा बोलने लगे बदतमीजी करने, लड़कियाँ भी यहाँ पर लगा वीडियो बंद नहीं बाहर नहीं बना है तो क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला बस ये है कि बिजली विभाग से कुछ कर्मियाँ हमारे यहाँ आए थे, विजिट किए थे वो मार्ट पे, तो वो बार बार मीटर रीडिंग चेक कर रहे थे, रीडिंग चेक करके वो उन्होंने बताया कि 2.5 लाख 3 लाख का आपका बिल आया है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता कि 2.5 लाख का बिल आए। और जैसे कि हम फरवरी या मार्च तक का हमने बिल जमा करा चुका था लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के पहले ये कोई 70-70 हज़ार का बिल आया था जो मेरी मम्मी जाके वहाँ जमा कराई थी। उसके बाद से अब तक 4 और महीने तक कोई बिल नहीं आया था, और जब वो आए भी यहाँ पे तो उन्हें बताना चाहिए, हम वहाँ जाते जो हमारा बिल होता वो हम उसको जमा करा देते, लेकिन वो बार बार ये बात कह रहे थे कि आपके मीटर मतलब मीटर रीडिंग जो इतना आया है उस पर या तो हम आपका कंसेशन करा दें, 50,000 आप हमें दे दीजिए हम वहाँ कम करा दें, ऐसा वैसा बोल रहे थे जो हम चाह नहीं रहे थे। उसके बाद हमारे पति नीचे थे, KP सिंह जो है वो उनसे बार बार कह रहे थे कि बुलाए मतलब हमें बुलाया जाए। कर्मियाँ थे उसमें से कोई, उनके सारे स्टाफ में से एक स्टाफ जो था वो ओम मार्ट का वीडियो बना रहा था, जो हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि ओम मार्ट का वीडियो बना के वो हमारी व्यवसाय प्रतिष्ठान की गोपनीयता को भंग कर रहे थे, जो ये सही नहीं है। और बार बार उनसे ये बात कही जा रही है कि जो भी हमारा भुगतान राशि है बिल है वो हमें दीजिए, हम उसे जमा करा कर देंगे, तो हम उन्हें क्यों 50,000 रुपये दें, हम जाएंगे बिजली विभाग में, वहाँ जो हमारा होगा वो हम कर देंगे, और जो भी आज तक आया है उसे मैंने जमा कराया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने रसीद दिया हो मैं नहीं जमा कराई हूँ। और दूसरी बात है कि बार बार हमारे इतने सारे कस्टमर थे, हमारे यहाँ लड़कियाँ भी सेल्समैन हैं, मैं हूँ, ऊपर नीचे 10 लोग, 8 या 10 लोग से तो कम नहीं थे वो लोग, कोरोना टाइम चल रहा है, ना मास्क लगाए हैं ना सैनिटाइजर कर रहे हैं, कोई बात नहीं बस बात अपनी बोले जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उनमें जितने सारे स्टाफ थे वो हमारे सेल्समैन हैं, जितनी लड़कियां हैं लड़के हैं सबसे वो बहुत ही अभद्रता के साथ बात कर रहे हैं। मैडम इसकी शिकायत क्या आपने कही जी? हमने हैदरगढ़ कोतवाली में किया है, अप्लीकेशन डाला है, हमारे हस्बैंड गए थे वो डाल के आए हैं अप्लीकेशन, इस पर हम चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।